आपको मिला राशन वगैरह? राशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक के क्या अभी हम लोग ऐसी मुसीबत में अटके पड़े ना, कितना राशन है न कुछ है यहाँ पे। अच्छा, कचरा तक के नहीं जाता यहाँ से, गंदगी इतनी हो चुकी है कि हम लोग मास्क लगा लगा के यहाँ बैठे। इस्तकबाल है नजर इंडिया न्यूज में और हम इस वक्त मौजूद है सिद्धार्थ नगर में, जो कि पहाड़ी के ऊपर है, शिवाजी नगर से थोड़ा आगे पड़ता है इलाका। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पर कई गरीब परिवार है, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ निकल आए हैं, क्योंकि इन्हें तकलीफ है कि इन्हें भी राशन नहीं पहुँच रहा है। और जैसे बड़ी बड़ी जगहों से ऐलान हुआ, बहुत जगहों से ऐलान हुआ कि राशन बांटा जाएगा, लोगों से लिस्ट ली गई, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ तक अब तक इन गरीबों तक राशन नहीं पहुँचा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कुछ लोगों से। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमर। मिला आपको राशन? नहीं, हमको कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर, कुछ ने भी आया नहीं, कुछ दिया नहीं। कितने दिन से नहीं आया आपको? आया ही नहीं, जब से बंदी हुई जब से नहीं कुछ मिला। अच्छा, तो आप लोगों ने किसी को, जो यहाँ के नगर सेवक या जहाँ जो लोग बांट रहे उनसे पूछा आपने? नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं बताना, कुछ आया ही नहीं तो किसको बोलेंगे? क्या यहाँ नाम लिख के लेके जाते है, कोई कुछ लाके देता नहीं है। नाम लिख कर लेके खाली ले जाते हैं नाम, ऐसे दो तीन टाइम हो गया नाम लिख के लेके जाते, पर कुछ आता नहीं है। जाता नहीं है तो आप लोग नीचे उतर के कभी कुछ बोले नहीं? आपने? नहीं, हम लोग नीचे कुछ भी नहीं बोले। जैसे कि कुछ देखा जा रहा है कि इनका कहना है कि यहाँ पर नाम लिखकर दो से तीन बार लोग चले गए नाम लिखवाकर, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि राशन आया हो यहाँ पे। और आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे जी। क्या खाला, क्या नाम है आपका? आयरन। क्या आपको भी मिला कुछ? कुछ भी नहीं मिला, आईने हम लोग के तो नाम ही नहीं लिखे, वो बाजू नाम लिखे तो अभी तक पता नहीं। अच्छा, कितने दिन से नहीं मिला आपको भी? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। अच्छा, जो लोग यहाँ पे बांटते हैं वो सब्जियाँ वगैरह बट रही है शानू भाई की तरफ से, वो भी मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, लेकिन ये वार्ड किसी का भी हो, लेकिन ये जिस तरह से एक मुहिम चलाई गई है, MLA तो यहाँ के एक ही है और सब जगह बांट रहे हैं, हो सकता है किसी वजह से नहीं पहुँचा हो। वही पूछना आपसे, आप लोगों को सब्जियाँ मिली? कुछ भी नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तो आप लोगों ने कुछ कांटेक्ट किया किसी से? नहीं नहीं, कांटेक्ट क्या करेंगे, आएंगे तो मिलेगा, कोई आता ही नहीं इधर तो कहाँ से मिलेगा। कुछ कांटेक्ट किया किसी नहीं, से? किसी से नहीं। तो कितने, जब से बंद हुआ तब से कुछ भी नहीं आया आपके पास? तो जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं कि खूब सारा राशन बांटा जा रहा है, तो अब की बार ये तीसरी या चौथी हम आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, या जो यहाँ पर कई लोगों को राशन नहीं मिला है, और जो जिस तरह से हर जगह नाम की पर्चियां भी ली जा रही है, कई कई ये भी देखने में मिला कि आधार कार्ड तक लिए गए लोगों के और उन्हें राशन नहीं मिला है। और जिस तरह से यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग, ये पूरी जो बस्ती है सिद्धार्थ नगर की, तो जी क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, आपको राशन कितने दिनों से नहीं मिला, या कुछ भी खाने के लिए कितने दिनों से नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, जब से बंद हुआ तब से नहीं, कुछ नहीं दिया हम लोग। तो आपने किसी से कांटेक्ट किया? कुछ नहीं किया, नगर सेवक से, यहाँ के जो नगर सेवक है यहाँ के, कुछ नहीं किया। नहीं, आपने किया नहीं और आया भी नहीं? नहीं आया। लेकिन जिस तरह से अभी सब्जियाँ बट रही थी, ये नीचे सस्ता मार्केट लगाया गया है, वहाँ से भी आपको कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया। और कहाँ जा रहे, मुफ्त में सब्जियाँ भी बांट रहे हो लोग, क्या मालूम? देखो हमारा तरफ से नहीं आया, आपके तरफ कुछ नहीं आया। आपको मिला राशन वगैरह? राशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक के क्या अभी हम लोग ऐसी मुसीबत में अटके पड़े ना, कितना राशन है न कुछ है यहाँ पे। अच्छा, कचरा तक के नहीं जाता यहाँ से, गंदगी इतनी हो चुकी है कि हम लोग मास्क लगा लगा के यहाँ बैठे। तो जिस तरह से मैं अपील करूँगा यहाँ के जो प्रशासन है, हम अपने हर वीडियो में यही अपील कर रहे हैं आपसे कि अगर आप लोगों ने शिवाजी नगर में इतना सस्ता मार्केट लगाया, किसी वजह से यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि लोग 3 से 4 दिन से आपके इंतजार में बैठे हुए हैं और 14 से 15 दिन ये चलने वाला है लॉकडाउन, और कहीं कहीं अफवाहों पे आप लोग ध्यान न दीजिए, 15 दिन का ये लॉकडाउन है। तो बड़ा मेहरबानी आप लोगों से, जो भी NGOs है मुमरा में, मैं सिर्फ सियासी पार्टियों के भरोसे की बात नहीं करूंगा, जो भी NGOs है मुमरा में इस वक्त, उनको चाहिए कि कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत हटकर काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग। और अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन गरीबों तक, अपने इन भाई बहनों तक खाना पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर इनके बच्चे और इनका पूरा परिवार मदद के इंतजार में है कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। कैमरामैन मोहम्मद अहमद खान के साथ आदिल खान।